जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, कल SSC MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार का जो है नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो आप देख सकते हैं सरकारीरिजल्ट.com पे सारे जो भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब या जो रेनोवेंट प्राइवेट जॉब के जो LIC वगैरह के जो वैकेंसी आती हैं वो आपके सरकारीरिजल्ट.com पे आती हैं। तो यहाँ पर देखिए, कल वैकेंसी आपकी 8326 पोस्ट हैं, जिसमें से MTS यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ की जो वैकेंसी है 4887 है और हवलदार की जो वैकेंसी है वो 3439 है। इनमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, दोनों में आपको 10th पास होना चाहिए। इसमें परसेंटेज के कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बस आप 10th क्वालिफाई हों। आपकी जो उम्र है वो 18 प्लस होनी चाहिए, यानी आप 18 साल से 27 साल के बीच में हों तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, मैक्सिमम एज अब कुछ केसेस में ना 25 ईयर्स, जैसे हवलदार है उसमें 25 और MTS में 27 ईयर्स चलेगा। ठीक है, इसका जो नोटिफिकेशन देखेंगे, जो डिटेल नोटिफिकेशन है इसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बताते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल। तो ये जो फॉर्म ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं और जो हवलदार होता है, इसमें थोड़ी सी फिजिकल क्राइटेरिया होनी चाहिए। आपका हाइट जो है मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आपको क्या करना है कि 1600 मीटर 15 मिनट में कवर करना है फिजिकल टेस्ट में, वॉकिंग यानी चल के जाना है, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर चलना है 20 मिनट में। तो दोस्तों, इसका फुल डिटेल देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं 2016 MTS का वैकेंसी आया था तो मैंने वो फिलअप किया था और मैं पहला अटेम्प्ट में ही मेरा MTS हो गया था क्लियर, क्योंकि उस टाइम मैं पढ़ नहीं रहा था MTS जब पहली बार भरा था। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपके 4887 और 3439 पोस्ट दोनों के हैं, और रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन भी जिनको चाहिए तो उन्हें अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, सर्टिफिकेट देना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, जिससे आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आपकी एज अगर 1/8/2024 का है, जो एज काउंटिंग की जो डेट है 1/8/2024 को आप 18 साल के हो चुके हो, ठीक है, और या उस टाइम तक आप 27 साल के विदिन हो, 25 ईयर्स या 27 ईयर्स, वो पोस्ट वाइज आपको देखना पड़ेगा कि इसमें 25 है और किसमें 27 है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, ये 1800 ग्रेड पे की जॉब है जो अलग अलग कम से कम 40 से 50 मिनिस्ट्रीज में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अलग अलग डिपार्टमेंट में MTS की वैकेंसी होती है और उन वैकेंसीज को फिल की जाती हैं। ये 1800 ग्रेड पे की जॉब है और इसमें आपकी जो सैलरी होती है, एक सिटी की बात करूं तो एक सिटी लाइक दिल्ली हो गया, वाई सिटी से कि पटना हो गया, और छोटे सिटी जेड हो गए, उनसे भी छोटे। ठीक है, तो एक सिटी में आपकी जो सैलरी है वो 31,000 के अप्रॉक्स इन हैंड सैलरी बनती है। ठीक है, और वाई सिटी है, इनसे 2000 कम ले लीजिए, इनसे 2000 कम ले लीजिए, तो मान के चलिए 29,000 यहाँ मिलेगा और यहाँ आपको 27,000 इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी आपकी मिलने वाली है। 1800 ग्रेड पे लेवल 1 का जॉब है ये। ठीक है, और इसमें आपकी योग्यता मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 10th प्लस होनी चाहिए। अब ये जो एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, देखिए तो कैटेगरी वाइज सबको अलग अलग एज रिलैक्सेशन मिलता है। SC ST को 5 साल का मिलेगा, OBC को 3 साल का, PWD जो UR कैटेगरी से होता है, और PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको 10 साल का, और OBC PWD वाले हैं 13 साल, PWD SC ST 15 साल। ठीक है, बाकी एक सर्विस मैन वगैरह मैंने सब में एज रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जो कि रिजर्वेशन रिटेन करता है। अब इनका जो क्रूशियल डेट है कि 31/7/2024 आपका क्रूशियल डेट है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक SC ST OBC EWS PWD तो आपके जो सर्टिफिकेट हो इस डेट के विदिन बना होना चाहिए, पर अगर किसी कारणवश कोई कैंडिडेट है जो कि नहीं बना पाता है सर्टिफिकेट, तो इस डेट के बाद 6 महीने के अंदर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप
एलिजिबल हैं और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर नहीं निकाला जाएगा। अगर EWS कैंडिडेट हैं तो उनके पास जो EWS का सर्टिफिकेट होगा वो साल 2024 से 2025 तक का होगा, यानी EWS आपका एक साल के लिए बनता है, एक साल वैलिड रहता है। अगर आप अभी बनवाते हैं, मान के चले अभी जून का महीना चला, लास्ट जुलाई आने वाला है, अब जुलाई में बनाते हैं तो आपको 2025 जुलाई तक वो वैलिड रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं MTS का काम क्या होता है। देखिए MTS का फुल फॉर्म ही होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल, यानी कंप्यूटर का काम आपके पास नहीं होता है। आपको बिना कम अगर हालांकि काम जानते हैं तो कंप्यूटर का काम आपसे लेते हैं, पर अगर आप दोस्तों मान के चलिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, MTS में आपका जॉब लग गया और आप चाहते हैं CGL करें, कोई बड़ा एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि MTS में अच्छा खासा टाइम मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं 2019 से लेकर के 2023 जून तक एज ए MTS इनकम टैक्स में काम किया है। ठीक है, और मैं वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ दोनों मेरा चल रहा था, और CGL ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था 2022 में, जो मुझे ऑल इंडिया रैंक 645 आया था। ठीक है, और मैंने ASO इन CSS लिया। तो आप जॉब के साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि MTS में मुश्किल से 3 से 4 घंटे आपके पास काम होते हैं, और ये डिपेंड करता है किसी मिनिस्ट्री वाइज डिपार्टमेंट वाइज कितना काम है काम नहीं है। तो दोस्तों अभी से ही तैयारी कर ली करने में लग जाइए, और मैं आपको बताता हूँ इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए इसमें एग्जाम पैटर्न ये है, आपसे 2 क्वेश्चन होगा जो CBT मोड यानी ऑन कंप्यूटर मोड होगा। तो दोस्तों MTS या हवलदार के एग्जाम पैटर्न की अब हम बात करते हैं, एग्जाम कैसे होगा। तो आपका 1 डे एग्जाम रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, एक साथ 2 सेशन होंगे। पहला सेशन खत्म होने के साथ ही दूसरा सेशन आपका शुरू हो जाएगा, 45 मिनट आपको मिलेगा और 40 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपका जो पहला सेशन है, जो पहला पार्ट है वो है मैथ का, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, और रीजनिंग है, रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, और हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा, यानी 120 मार्क्स का आपका ये रहेगा सेशन 1। और जो आपका सेशन 2 होगा उसमें होगा आपके 25-25 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस यानी GK GS और इंग्लिश लैंग्वेज, GA और इंग्लिश, ये आपका सेशन 2 हो गया। अब ऐसा होगा कि ये जो पहला सेशन है इसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे, और इसमें कोई निगेटिव मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है सेशन 1 में, और यही सेशन 2 में आपका निगेटिव मार्क रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको 1 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कटेगा, पर अगर आप 1 सही करते हैं आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, सही करने पर 3 मिलेगा और गलत करने पर 1 आपका चला जाएगा। ठीक है, अब ये 45 मिनट यहाँ भी मिलेंगे और 45 मिनट आपको यहाँ मिलेगी, यहाँ क्वेश्चन 40 है और यहाँ क्वेश्चन 50 है। देखिए जनरल अवेयरनेस में टाइम नहीं लगता और इंग्लिश में भी टाइम नहीं लगता है, मेन टाइम लगता है आपका मैथ में और रीजनिंग में। अब ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें बोला गया है कि जो जनरल है उसकी कट ऑफ क्राइटेरिया जो होगी वो 30%, ये आपको 30% इसमें लाना है, यानी 36 मार्क्स लाने हैं 120 में से, और OBC या EWS है उनको 25% लाना है, यानी उनको 30 मार्क्स लाने हैं, और इनको छोड़ करके जो अदर कैटेगरी है उनको लाना है 20%, यानी 24 मार्क्स लाना है। पर ऐसा होता नहीं है, आपको एक कट ऑफ मिलेगा, जो उस कट ऑफ को क्वालिफाई करेगा उसके बाद ही उसका सेशन 2 का पेपर चेक किया जाएगा। ठीक है, और इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, सेशन 1 वाले जो मार्क्स हैं वो 120 नंबर का जो है ये इसके मार्क्स ऐड नहीं होगा, यानी मेरिट जो है वो आपका सेशन 2 बेसिस पे बनेगा, यानी ये जो 75 × 150 मार्क्स पे आपका मेरिट बनेगा। अब इस 150 में आप कितना मार्क्स लाते हैं उस पर आपका मेरिट, अगर 130 प्लस मार्क्स आप लाते हैं तो आपका सिलेक्शन है, 150 में अगर आप 130 लेकर आते हैं दोस्तों तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। फिजिकल हवलदार की, तो फिजिकल के लिए आप इसमें केवल वॉक करना है आपको, मेल के लिए 1600 मीटर वॉक करना है और 15 मिनट में और फीमेल के लिए देखिए यहाँ पे 1 किलोमीटर फीमेल के लिए जो है वो 1 किलोमीटर चलना है 20 मिनट में, और मेल के लिए 15 मिनट में आपको 1600 मीटर वॉक करना है। ठीक है दोस्तों,
और मैं सैलरी के बारे में बता चुका है, इसकी सैलरी अप्रॉक्स 30,000 मिलती है एक सिटी में, 31 मिल सकता है, और वाई सिटी में 29 के आसपास, और जेड सिटी में 27 के आसपास। तो और इसका जो एग्जाम है, आपका एग्जाम अक्टूबर और नवंबर में होने वाला है, और अभी चल रहा है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपके पास 3.5 महीने हैं, और आप इसको तैयारी अच्छे से करें। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर स्ट्रेटजी वीडियो लाऊं कैसे इसकी तैयारी करें, तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम वीडियो जरूर लाएंगे, स्ट्रेटजी वीडियो, ठीक है। और इसमें ज़्यादा फोकस आप इंग्लिश और JKGS पे करें, मैथ और रीजनिंग पर भी करें, और सबसे बेस्ट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप टेक्स्ट बुक पर जाएं और MTS के अब तक जितने पेपर हुए हैं उनके प्रीवियस पेपर को सॉल्व करें, वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट है तो, और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो फटाफट सिलेबस कंप्लीट करें, और साथ साथ मॉक टेस्ट भी दें। आप वीक में कम से कम 2-3 मॉक टेस्ट लगाएं, जो कि MTS का प्रीवियस पेपर होना चाहिए, उसका थॉरली सोल्यूशन करें, जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता उसको लिखें और याद करें, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सब कुछ, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।